स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट यूनिट वन एनवायरनमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज रीडिंग ए द जामुन ट्री, रीडिंग बी ब्यूटिफुल ब्लू प्लैनेट, रीडिंग सी सालू मर्दा टिमका. वी विल स्टार्ट अवर लेसन्स फ्रॉम रीडिंग ए द जामुन ट्री. लेट अस स्टार्ट नाउ. Reading A, the Jamun Tree. In the backyard of the house where Ricky, Jonak, Monpi and Tinky lived, stood a lovely jamun tree. It was a tall and stately tree with dark green leaves and twirling branches that clawed into the sky. Ricky, Jonak, Monpi and Tinky, ठीक है, इनके इन चारों बच्चों के बारे में यहाँ पर बताया गया है. ये चारे चारों बच्चों के घर के पीछे के backyard में एक बहुत ही प्यारा सा जामुन का पेड़ था, जो कि बहुत टॉल था और स्टेटली थी. स्टेटली मतलब यहाँ पर है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था. उसके डार्क ग्रीन कलर के लीव्स थे और उसके जो ट्वर्लिंग ब्रांचेस थे, ट्वर्लिंग का मतलब होता है घुमावदार ब्रांचेस जो थे वो क्या कर वो ऐसे खड़े थे जैसे वो आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हैं. The jamun tree was a source of joy to the children. They loved to climb its knotty, gnarled branches and play hide and seek among the foliage. During the sweltering summer months, hot and tired after playing in the backyard, the children took rest under its welcome shade. जामुन ट्री जो था वो बच्चों के लिए एक खुशी का साधन था. उन खुशी का साधन था मतलब यहाँ पर वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता था जामुन ट्री के आसपास में रहना. वो जामुन ट्री में चढ़ते थे, क्लाइम करते थे. क्लाइम मतलब आपका चढ़ना. जामुन ट्री में अच्छे चढ़ते थे, उसमें उसके ब्रांचेस के साथ में हाइड एंड सीक खेलते थे. और जब गर्मियों का मौसम रहता था और जब वो खेलते हुए थक जाते थे, तब वो जामुन ट्री के शेड में ही जाकर आराम करते थे. ड्यूरिंग समर टू द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री राइपन. एट फर्स्ट दिस अपीयर्ड इन टाइनी अनराइप ग्रीन क्लस्टर्स विच ग्रेजुअली स्वेल्ड इनटू जूसी पर्पल कलर्ड फ्रूट्स. द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ड्रूप्ड विद द वेट ऑफ देयर लूशियस बर्डन. देखिए, समर का ही वो टाइम रहता है जब जो जामुन ट्री में फ्रूट्स जो हैं वो लगते हैं. इस सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है ड्यूरिंग द समर टू द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री राइपन. ठीक है, गर्मियों के ही टाइम पे जो जामुन ट्री में जो फ्रूट्स लगते हैं वो क्या होते हैं, पकते हैं. सबसे पहले अब यहाँ पर आपका जामुन ट्री लगता कैसे है वो आपको बताया गया है. लगते कैसे हैं मतलब उस पेड़ पर कैसे लगते हैं. सबसे पहले ग्रीन कलर के अनराइप क्लस्टर्स के फॉर्म पे वो लगते हैं. अनराइप छोटे छोटे ग्रीन कलर के क्लस्टर्स मतलब हैं झुंड. ठीक है, झुंड में, ग्रुप में. ठीक है, तो वो छोटे अनराइप ग्रीन कलर के क्लस्टर्स पे लगते हैं जो कि धीरे धीरे एक स्वेल्ड जूसी धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक पर्पल कलर्ड के फ्रूट पे पर्पल कलर का फ्रूट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. इनकी जो ब्रांचेस हैं, जो जामुन ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो उस फ्रूट के बर्डन के कारण नीचे झुक जाती हैं. द ग्रेटेस्ट जॉय वॉज टू ईट द राइप जामुन वाइल सिटिंग ऑन अ लॉन्ग स्टर्डी ब्रांच ऑफ द ट्री बोर सो मच फ्रूट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड ड्रूप्ड इन टू एंड एट एज मैनी जामुन एज दे कुड. द बैकयार्ड ऑलवेज रीसाउंडेड विद द श्रिल क्राइस ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन. अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है. जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह होती थी जब वो पके हुए जामुन को जामुन ट्री के ब्रांच में बैठकर खाते थे. जो ट्री रहते ट्री में इतने सारे फ्रूट्स लगते थे, ना सिर्फ मतलब सिर्फ वो सिर्फ चार बच्चे ही नहीं बल्कि आसपास के नेबरहुड के सारे बच्चे वहाँ पर आते थे और वहाँ जामुन को खाया करते थे. जितने जामुन वो खा सकते थे वो वहाँ पर खाते थे और बैकयार्ड में ही खेलते थे. तो इसी वजह से जो बैकयार्ड रहता था वो हमेशा ही बच्चों से भरा हुआ रहता था. हमेशा बच्चों की आवाज़ वहाँ पर आती थी. द सिरपी स्वीटनेस ऑफ द जामुन इन्वाइटेड अदर विजिटर्स टू अ पेयर ऑफ स्क्विरल्स
who lived in the nearby bamboo grove came regularly to nibble at the fruits. Scores of beautiful blue bottles fleeted around the tree, settling every now and then to drink nectar from the fruits. Honeybees, who seemed to be forever busy, filled the air with their urgent buzzing. Ants arrived in great numbers, marching in straight lines to carry off the fruits which had fallen onto the ground. तो जामुन ट्री का जो टेस्ट, मतलब टेस्ट स्वीटनेस, जामुन वैसे तो ज़्यादातर स्वीट ही होता है, बट उस जामुन के पेड़ में जो उसका जो टेस्ट था वो इतना ज़्यादा अच्छा होता था कि बाकी के विजिटर्स भी वहाँ पर आते थे. विजिटर्स में यहाँ पर क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर बताया है अ पेयर ऑफ स्क्विरल्स. स्क्विरल्स मतलब क्या है, गिलहरी. गिलहरी वहाँ पर, गिलहरी जो कि उसी जामुन पेड़ के ही आसपास में बैम्बू ग्रूव में रहती थी, वो वहाँ रेगुलरली आती थी ताकि वो फ्रूट्स को खा सके. निबल द फ्रूट्स, निबल, निबल का मतलब होता है कुतरना, ठीक है. तो निबल करने के लिए वो वहाँ पर आती थी. और साथ में उस ट्री के आसपास में हमेशा हनी भी क्या करती रहती थी, बस करती रहती थी, हमेशा वहाँ पर घूमती रहती थी ताकि जब भी उनको मौका मिले तो वो वहाँ पर जाकर फ्रूट्स, फ्रूट से जो जूस है वो निकाल सके. और साथ ही में आंट्स भी वहाँ पर हमेशा, बहुत सारे आंट्स वहाँ पर रहती थी और एक सीधी लाइन पे चलती हुई वहाँ पर हमेशा रहती थी ताकि जो फ्रूट्स ग्राउंड पे गिर रहे हैं उनको खा सके. द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर्स वॉचिंग द आंट्स. दे मार्वल्ड एट द डिसिप्लिन विथ विच दिस हार्डी लिटिल क्रिएचर्स टॉइल्ड कैरिंग लोड्स मैनी टाइम्स देयर ओन वेट. जो बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा टाइम बिताते थे आंट्स को देखते हुए. वो बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता था उनको देखते थे जब वो कि इतने डिसिप्लिन के साथ में वो चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपने वेट से कई गुना ज़्यादा वेट वो उठा रहे हैं. बट द विजिटर्स दैट द चिल्ड्रेन लव्ड मोस्ट वेयर द बर्ड्स स्क्वैबिंग मैगपाइस चिरपिंग स्पैरोज एंड स्क्वाइंग पैरोट्स बींग द कॉमनेस्ट. रिकी एंड जोनक बिल्ड अ बर्ड बाथ एंड देयर सिस्टर्स मॉनपी एंड टिंकी फिल्ड इट विद वाटर. द बर्ड्स इंजॉयड स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर्स. लेकिन सबसे ज़्यादा तो जो बच्चों को जो विजिटर्स पसंद आते थे वो थे बर्ड्स. वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स आते थे, जैसे कि मैगपीस को हिंदी में नीलकंठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है. तो मैगपीस हो गया, स्पैरोज आते थे वहाँ पर, पैरोट्स थे, ये सारे बहुत ज़्यादा कॉमन थे. और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बर्ड्स भी वहाँ पर आते थे. रिकी और जोनक ने एक बर्ड बाथ बनाया था उनके लिए, जिसमें उनकी सिस्टर्स मॉनपी और टिंकी क्या करते थे, पानी डाल दिया करते थे और जो बर्ड्स थी वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती थी पानी में खेलने.